राम नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल अलीशा टीवी। मैं हूं शहजाद और मैं हूं अलीशा। आज हम एक और मूवी का ट्रेलर रिव्यू करेंगे जिस मूवी का नाम है द साबरमती रिपोर्ट। तो ये मूवी लेकर आई हैं शोभा कपूर और एकता कपूर। यस, बालाजी टेलीफिल्म्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस, मेरी मम्मी को इनके ड्रामे बड़े पसंद है। सबकी मम्मी को इनके ड्रामे पसंद है भाई। इनके ड्रामों की वजह से हमारा घर से बाहर निकलना हराम हो गया था किसी like, literally, आप शाम को घर पहुंचो और एकता कपूर और बालाजी टेलीफिल्म जो 8 बजे से शुरू हो जाता था कसौटी जिंदगी की रात तक, कहीं तो कहीं किसी रोज तक चलता ही रहता। आई नो। अब बालाजी टेलीफिल्म ने एक और मूवी बनाई है। इससे पहले हमने इनकी 2-4 और फिल्में भी देखी, जैसे रिसेंट में द क्रू जो 3 हीरोइंस को लेकर बनाई, बहुत अच्छी मूवी थी। एंड इट वाज वन ऑफ लाइक इट वाज रियली नाइस, लाइक होल न्यू कॉन्सेप्ट एंड बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। अनफॉर्चूनेटली यस, हमने वो मूवी OTT पे देखी थी, व्हिच वाज नाइस, मुझे अच्छी लगी उसमें सबकी एक्टिंग। एक्चुअली बहुत अच्छी मूवी थी, इट वाज नाइस कॉमेडी मूवी। दिलजीत भी थे इसके अंदर और साथ में कपिल शर्मा थे मूवी में। बहुत अच्छे लेवल पे बनाई थी, बजट भी अच्छा था और प्लस एक्टर्स तो ऑब्वियसली करीना कपूर, तब्बू और कृति सनन तो उनके जवाब। अब इनकी एक और फिल्म आ रही है जिसके अंदर हमारे 12th फेल वाले हीरो भी हैं, जिनका नाम है विक्रांत मासी। इनकी 12th फेल मुझे बड़ी अच्छी लगी है। इनकी 12th फेल सभी को अच्छी लगी थी, जो 12th फेल हो गए उनको भी अच्छी लगी थी। यस, और वहीं से ये हीरो बड़े अच्छे लगने लगे हमें। मैंने इनकी एक मूवी देखी है नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है सेक्टर 36। ओके, इसमें उसमें इन्होंने सीरियल किलर का रोल किया है। ही इज अ साइकोटिक सीरियल किलर। नेगेटिव रोल। ओके, और उनकी एक्टिंग उसमें इज माइंड ब्लोइंग। Okay. मैं खुद हैरान हो गई थी देख के। एंड ये बंदा टीवी सीरियल से उठ कर आ रहा है यार, मतलब किस लेवल की एक्टिंग कर कर आ रहा है ये। यूजुअली पता है होता क्या है कि जब हम किसी एक्टर को टीवी सीरियल में देखते हैं ना, तो फिर उस छोटी स्क्रीन के बाद उन्हें बड़े पर्दे पर देखना और एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उसकी सिंपल सी एग्जाम्पल जो हम सब जानते हैं कि जो मीर थे क्योंकि सास भी कभी बहू थी में, रोहित रॉय उन्होंने जो है वो टीवी के मल्टीपल ड्रामों में मल्टीपल रोल्स किए हैं और उसके बाद वो आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं यू नो मूवीज में अपनी जगह बनाने की। बट ड्रामों का जो एक रोल था जो उनके साथ स्टिक कर चुका है वाज मिस्टर बजाज। अगर कोई किसी उनको जानता नहीं है किसी भी नाम से, लोग बोलेंगे ना मिस्टर बजाज, तो हमारे पेरेंट्स तो इजीली पहचान जाएंगे किसकी बात कर रहे हैं। कसौटी जिंदगी की, मेरी मदर इसको बहुत अच्छी तरीके से रिकॉल कर सकेगी। यार हम सबकी मदर्स वो कसौटी का जो बोलेंगे ना मिस्टर बजाज, तो तब के टाइम पे मिस्टर बजाज हमारी मॉम्स का नेशनल क्रश हो चुका था तब का। तो ये मूवी जो है वो आई हैव नो आइडिया किस बारे में है, क्योंकि हमने इनका टीजर जरूर देखा था जिसके अंदर हमने छोटे से एक कोर्ट केस के ग्लिम्पसेस देखे थे जिसके अंदर वो कुछ कह रहे थे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मैं ऑब्वियसली किस चीज का फाइन भरूं या किस चीज के लिए जेल काटूं। तो चलें विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इस ट्रेलर में डाइव इन करते हैं, जो कि तकरीबन 3 मिनट का है। यस, और देखते हैं कि ये मूवी किस बारे में है और फिर बाकी की बातें हैं ट्रेलर के बाद। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। मैडम थैंक यू फॉर प्लांटिंग योर फेथ इन मी। 2002 का वक्त था। आप इंग्लिश बोल लेते हो? नहीं सर, पर मैं हिंदी में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। हिंदी वालों के लिए थोड़ा सख्त था। I hope I fulfill and live up to your journalistic excellence. Yours faithfully, with regards. नहीं बोलोगे? सिर्फ अंग्रेजी पत्रकार ऐसे दिखते थे। हिंदी मीडियम लड़कों की किस्मत में ना सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, इंग्लिश स्पीकिंग गर्लफ्रेंड नहीं। वो हिंदी भी अंग्रेजी में लिखते थे। फिर एक ऐसा तूफान आया, सब कुछ चला, मैं और मेरे देश का शून्य पल। मैं टूटा, मैं गिरा, सब बिखर गया। The train met with an accident. पूरा देश आप जो कहती है उसे 100% सच मानता है, झूठ बेच रहे हैं आप। आपने जो देखा गोधरा में मेरे साथ दुर्घटना थी वो। फिर पता चला कि शून्य से इंसान। Journalism is not just about facts. There are protocols and processes. ए, बंद कर अपनी अंग्रेजी और अपना ज्ञान। सिर्फ ऊपर बढ़ता है। मैं एक रिपोर्ट कर रही हूँ साबरमती एक्सप्रेस पे। Will you come with me? 50,000 दे तो जो बोलोगी करूँगा। ये क्या है? काम करने के लिए। ये? काम पे ध्यान देने के लिए। कोथरा में क्या कर रही हो? विस्थापित। Yeah. मैं कह रही थी विस्थापित। विस्थापित? What विस्थापित? सीधी सादी हिंदी में नहीं लिख सकते थे? यही तो विडंबना है आज हमारे देश की कि सीधी सादी हिंदी टेढ़ी लगती है और वो टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी सीधी लगती है।
बाकी के डब्बों में आग नहीं लगी? ये बात दबाने की नहीं, उछालने की है। तो लोग भड़केंगे, कुछ महीने में इलेक्शंस। किस तरफ घुमाना चाहते हैं आप इस केस को? अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इट वॉज 100% एन एक्सीडेंट। तुम्हें हंसी आ रही है? यार इतना गंदा जोक मारने से पहले बता देती, दारू बर्बाद कर दी मेरी। ये दोनों कहानियां जानबूझकर फैलाई गई। उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। हम करने आए हैं। What the hell do you think you're doing? मेरी ये बात नहीं समझ में आई कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात को कोई छुपा कैसे गया। इतिहास गवाह है, देश हो या इंसान, गिर के ही संभलता है। आग कैसे लगी? अभी तक पता नहीं चला। नहीं देखा, नहीं पता। झूठ का कितना भी लंबा दौर हो, उसे सच ही बदलता है। गोधरा का सच खा के बैठ गए? एक दिन देश का बच्चा बच्चा जवाब मांगेगा तुमसे। Wow, what a trailer! तो basically I'm sure तुमको नहीं पता होगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं। तो साबरमती एक्सप्रेस जो पहले ट्रेन दिखाई, उसका नाम था साबरमती एक्सप्रेस, जो गुजरात में ट्रैवल करती है। और काफी सालों पहले गोधरा में, गोधरा एक जगह का नाम है जहाँ पे हिंदू मुसलमान के राइट्स हुए थे, जब ये ट्रेन जल गई थी उसके बाद, तो उसी के ऊपर ये मूवी बेस्ड है। हमारे काफी लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, बिकॉज ये इंसिडेंट इज अर्ली 2000s के टाइम का, एंड मैं खुद भी तभी बहुत छोटी थी तो मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में इतना। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रिपोर्टर्स की साइड दिखाई है, मल्टीपल साइड, एक वो जो सच को छुपाने की कोशिश करते हैं अपने मीडिया और अपने चैनल्स के थ्रू, और एक वो जो सच को ही निकालने की कोशिश करते हैं, सच को जनता के सामने या यू नो आवाम के सामने लाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं का क्लैश है आपस में, और फिर इसके अंदर कौन कौन सी पार्टी या पावर यू नो एक्सटर्नल जो फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं इनके डिसीजंस को या इनके सच को मैनिपुलेट करने के लिए, दैट्स व्हाट द मूवी इज अबाउट। ये मूवी में बेसिकली वो बताया है कि जो मीडिया हाउसेस हैं, जो बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं, वो हमारे सामने किस तरीके से न्यूज को पेश करते हैं, कितना फैक्ट को छुपाते हैं, कितने फैक्ट को बताते हैं। तो इसमें बेसिकली उन्होंने वो इतने अच्छे हिंदुस्तानी है कि वो हमेशा हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। ओके, मुझे इतनी ही हिंदी आती है ज्यादा डिटेल में। जैसे उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने मूवीज में बहुत ही भारी भरकम हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया, वैसा मैं नहीं कर सकती। ट्रू, आजकल की जो हमारी जनरेशन है, या इनफैक्ट हम लोग भी खुद भी यू नो कोई इतने ज्यादा खालिस उर्दू या हिंदी बोलने वालों में से नहीं है। True. लेकिन ये कि जो रोजमर्रा की हमारी जो लैंग्वेज है वो ऑब्वियसली इट्स नॉट परफेक्ट बट इट डज द जॉब। इफ इट्स नॉट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। डोंट फिक्स इट, सब उसी मेंटालिटी पे जीने वाले लोग हैं। अगर हमें किसी को थैंक यू बोलना है तो हम थैंक यू बोल देंगे, हम शुक्रिया या धन्यवाद या वैसे नहीं बोलेंगे। बट इनका जो रोल है उसमें दिखाया है कि ये बहुत ही शुद्ध हिंदी बोलता है। ही इज मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स showing the fact to the audience. और हमने ये भी देखा है कि हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान का जो कल्चर है वो इंग्लिश और इंग्लिश बोलने वालों के सामने किस तरीके से झुक जाता है। वो जो भी कहते हैं हम उन्हें सच मान लेते हैं, और अगर हमारी ही लैंग्वेज में, हमारी ही जुबान में कोई जितना भी अच्छा सच है, हमें अगर उसकी बात हम किसी अंग्रेज के सामने रखेंगे तो ऑब्वियसली अंग्रेज ही जीतेगा। तो ये हम लोगों का कल्चर था और है, क्योंकि इसी वजह से हम पे अंग्रेजों ने राज भी किया है इतने सालों तक। ये नहीं बदल रहा और ये शायद बदलेगा भी नहीं इतनी जल्दी। जैसे हम लोगों ने देखा, विक्रांत की एक्टिंग इज अमेजिंग, उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, वो हमेशा अच्छा एक्टिंग करते हैं। और एक और बात मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, जो इन्होंने टीजर में वो कोर्ट केस दिखाया था उसका ट्रेलर में कोई दोबारा से मेंशन नहीं हुआ है। नहीं, स्पेशली वो सीन जहाँ पे वो बोलते हैं कि 2 करोड़ का फाइन, ये चलेगा? हाँ चलेगा, मुझे दिलेक आपको कितना वक्त लगेगा उसे अरेंज करने में, तो मैं क्यों भरूं? मुझे तो मिलेगा। थोड़ी सीरियस मूवी है, बिकॉज जो इवेंट हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है, ऑब्वियसली उसमें आग लगी है ट्रेन पे, तो उसमें जानी और माली दोनों तरीके से नुकसान हुआ होगा, तो इट्स नो फन। द फैक्ट इज वो आग लगी नहीं, वो आग लगाई गई थी, और ये बाकी बाद में डिस्क्लोज हुआ था न्यूज वगैरह में। वो ये मेरे ख्याल से उसी सच को किस तरीके से दबाने की कोशिश की गई थी और फिर उसको बाहर किस तरीके से लाया गया। उसी के ऊपर ये मूवी का मूवी बेस करती है। आई एम रियली होपिंग कि ये मूवी एक्चुअली में बहुत अच्छी लग रही है, जस्ट बिकॉज। तो ये मूवी रिलीज हो रही है 15 नवंबर को। यस, इसके लिए तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जस्ट नेक्स्ट वीक तक रुक जाओ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो चलो, मतलब हमें इस महीने के बीच में भी थिएटर जाना पड़ेगा एक और बार। यस, तो इसमें जो एक्ट्रेस है राशि, उनको हम लोगों ने और भी मूवीज में देखा है, छोटे छोटे रोल्स की उन्होंने। जो दूसरी एक्ट्रेस है रिधि, उनको हमने सीरियल्स में देखा है, तो वो एक और, हाँ तो वो एक और है जो सीरियल से आ रही है, उनकी भी एक्टिंग बड़ी कमाल की है।
तो ये जो एक्टर्स हैं काफी सीरियस रोल्स करते हैं, छोटे रोल्स करने वाले हैं, तो आई एम होपिंग कि विक्रांत की जो एक्टिंग है इसमें थोड़ी डिफरेंट लग रही है मुझे. yes. लेकिन सीरियस एक्टिंग है इनकी जैसी 12 फिल्म में हमने देखी थी, और एक फैक्ट के ऊपर बेस्ड है जस्ट लाइक 12 फिल्म में देखी थी. क्योंकि जब मैं इस मूवी के ट्रेलर को देख रहा था तो आई वाज थिंकिंग, मुझे डेजा वो हो रहा था फ्रॉम 12 फिल्म. बहुत सारे ऐसे सीन थे जिसमें ये गरीब भी थे, हिंदी भी बोल रहे थे, यू नो, सो इट वाज लाइक वो वैसा ही कैरेक्टर है कुछ इनका. बट ये मूवी जिस स्टोरी पे बेस्ड है वो मूवी ने एक्चुअली इंडिया का फेस कम्प्लीटली चेंज कर दिया था. आई एम होपिंग कि ये मूवी देख के मुझे रियलाइज हो कि तब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो अब मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था. तो यूजुअली पाकिस्तान में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि हिंदू मुस्लिम के राइट्स हों, क्योंकि हम लोग आपस में ही इतना लड़ लेते हैं कि दूसरों को जरूरत नहीं पड़ती कि हमसे झगड़ा करें. और अगर झगड़ते नहीं है तो कोई ना कोई आ जाते हैं हमारे दोस्त यार जो बोलते हैं भाई फोन दे दो, तो वो फोन ले जाते हैं. ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है इंडिया में कि बस लाओ फोन दे दो लेकर चले गए, कभी नहीं देखा. नहीं, बड़े प्यार से आते हैं वो, आपसे सलाम दुआ भी करेंगे कि लाओ फोन निकालो, और फिर आप खाली उन्हें अपना फोन और वॉलेट दे देंगे और फिर वो चले जाएंगे. इट्स लाइक अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते कि वो खाली आते हैं अपना काम करते हैं और फिर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं. तो 15 नवंबर को ये मूवी हम जरूर देखने वाले हैं, और अगर आप लोग भी ये मूवी देखने जा रहे हैं तो हमें कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि आप लोग किसके साथ जाएंगे. और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर हमेशा की तरह एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए. और आई गेस दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बड़ा ख्याल रखिएगा.